नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया है। दोनों आतंकियों में से एक जम्मू कश्मीर के बारामूला और एक कुपवाड़ा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। आतंकियों से पूछताछ में पता चला कि दोनों आतंकी दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर हमले की साजिश रच रहे थे। इनके निशाने पर कई वीआईपी भी थे। पुलिस ने आतंकियों के पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आतंकी सोशल मीडिया के जरिए आतंकी गुट में शामिल हुए थे। दोनों पाकिस्तान जाने की फिराक में थे। कई बार सीमा पार करने की नाकाम कोशिश कर चुके थे, लेकिन सीमा पर भारतीय सेना के जवानों की कड़ी चौकसी के चलते कामयाब नहीं हो पाए। ब्रिक्स देशों का 12वां शिखर सम्मेलन का आयोजन आज होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली किया जाएगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। ब्रिक्स देशों में भारत और रूस के अलावा ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन की थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास होगी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। आईटीओ इलाके में 176 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5,53,00,000 के पार चले गए। अब तक 13,32,000 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। पूरी दुनिया में 1,55,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस हैं। अमेरिका में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई। कुल मरीजों की संख्या 1,15,00,000 के पार चली गई। अब तक 2,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,66,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। ब्राजील में 3,88,267 एक्टिव केस। रूस में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही। कोरोना मरीजों की संख्या 19,48,000 के पार चली गई। अब तक 14,53,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में 24 घंटे में मिले 28,555 नए केस। एक दिन में 450 मरीजों की मौत। अभी भी देश में 4,53,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 60 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 46,000 के पार चला गया। 84,386 एक्टिव केस। कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। कुल मरीजों की संख्या 8,54,000 के पार। राज्य में अब 6,881 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 1,725 नए केस। अभी भी 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,495 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना में लोगों ने दहशत फैला रखी है। वहीं एक दिन में सामने आए 1,546 नए केस। अब तक 4,82,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना से मौत का आंकड़ा। एक दिन में 99 लोगों की मौत हुई। कुल मरीजों की संख्या 4,89,000 के पार चली गई है। राजस्थान में कोरोना के 18,684 केस एक्टिव हैं। एक दिन में सामने आए 2,169 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा 2,27,000 के पार चला गया। नरवाना के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 4 छात्राओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 4 दिनों के लिए छुट्टी की गई है। नागरिक अस्पताल की ओर से स्कूल में कोरोना कैंप लगाया गया था। इसमें जांच के दौरान छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि सभी पॉजिटिव छात्राओं को घर पर ही क्वारंटीन किया गया है। देश में कोरोना के 1,957 नए केस मिले। 8 मरीजों की जान चली गई। कुल आंकड़ा 2,00,000 के करीब पहुंच गया। 2,019 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। गुरुग्राम में 515 नए मरीजों की पहचान हुई। एक मरीज की जान चली गई। टोटल केस 39,000 से ज्यादा हैं। फरीदाबाद में 643 नए केस मिले। 2 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई। कुल केस का आंकड़ा 32,000 के पार पहुंच गया। कोरोना काल के 8 महीने बाद प्रदेश के कॉलेजों में कक्षाएं शुरू हो गई हैं। फतेहाबाद के कॉलेजों में स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए। कॉलेज में आने वाले सभी छात्रों को सैनिटाइजर लेकर मास्क लगाकर आने के निर्देश दिए गए हैं। कॉलेज में ऑड और इवन का फॉर्मूला लागू होगा। क्लास 2 सत्र में ऑड और इवन रोल नंबर के मुताबिक लगाई जा रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि कॉलेज में सुबह 9 से 12 बजे तक ऑड रोल नंबर और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इवन रोल नंबर की कक्षाएं लगाई जा रही हैं।
नीतीश कुमार ने सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ 14 मंत्रियों ने भी शपथ ली। तारकिशोर प्रसाद ने शपथ ली, जो चौथी बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। रेणु देवी ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। चुनाव जीतकर चौथी बार पहुंची विधानसभा। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। बीजेपी के साथ जेडीयू के 5 और वीआईपी हम के एक एक विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस और आरजेडी ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया था। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव में करीबी लड़ाई में मिली हार का ठीकरा राहुल गांधी और कांग्रेस पर फोड़ा है। कोरोना की चपेट में हरियाणा के राज्यपाल एस एन आर्या, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यपाल से मिलकर हालचाल जाना। वहीं सीएम मनोहर लाल के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। बड़ौदा से नवनिर्वाचित विधायक इंदिराज नरवाल आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के दौरान कई कांग्रेस के नेता मौजूद होंगे। आपको बता दें कि इंदिराज नरवाल को दोपहर 3 बजे विधानसभा परिसर में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता शपथ दिलाएंगे। श्रीकृष्ण हुड्डा के निधन के बाद खाली हुई बड़ौदा विधानसभा सीट पर इंदिराज नरवाल ने बीजेपी के योगेश्वर दत्त को 10,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। कर्मचारी महासंघ के हड़ताल के ऐलान को लेकर मनोहर सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को हाजिरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों ने 26 नवंबर को हड़ताल का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखकर बारिश से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाने की मांग की है। सैलजा ने विशेष गिरदावरी करवाकर 20 दिन में किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। बड़ौदा उपचुनाव के बाद इनेलो ने सिरसा में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इस बैठक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला मौजूद रहे। बैठक में बड़ौदा उपचुनाव में मिली हार के कारणों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि इन कार्यक्रमों के दौरान किसानों ने हमारा साथ दिया तो उनकी लड़ाई अंतिम छोर तक लड़ेंगे। किसानों को न्याय दिलाकर रहेंगे। सरकार को अध्यादेशों को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय किया गया कि जल्द ही पार्टी ने नेताओं के प्रदेश कार्यक्रम बनेंगे, जो मार्च महीने तक प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं में जाकर जनता के साथ संवाद करेंगे। अभय चौटाला ने जेजेपी को टुकड़े टुकड़े गैंग की संज्ञा देते हुए कहा कि अब जल्दी ये गैंग बिखरने वाला है। ऐसे में इनेलो के कार्यकर्ताओं को जेजेपी के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है। डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा ने कहा कि विधानसभा में बीसी कैटेगरी के लिए पंचायती चुनाव में जो आरक्षण का बिल पास किया गया उससे बैकवर्ड कैटेगरी के लोगों में काफी उत्साह है। इसे लेकर के 29 नवंबर को हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सम्मान किया जाएगा। वहीं डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा ने विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा में चर्चा से बचने के लिए विपक्षी नेता वॉकआउट करते हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर सरकार चर्चा करने से बचती है, लेकिन यहां तो उल्टा है। डिप्टी स्पीकर ने बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह समस्या केवल भारत और प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। सोनीपत के शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र की सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने हवन यज्ञ करके विधिवत तौर पर शुरुआत की। इस मौके पर बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा में गन्ने का भाव पूरे देश में सबसे ज्यादा और दिवाली से पहले सरकार ने 10 का रेट बढ़ाकर किसानों को एक और तोहफा दिया है। बनवारी लाल ने पिछले साल कार्बाइन फटने के मामले पर बोलते हुए कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और अब की बात सुचारू रूप से मिल चलेगी। गोहाना के गांव अहुलाना में ताऊ देवीलाल शुगर मिल में 2020-21 के गन्ने की पिराई का काम शुरू हो गया है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने हवन यज्ञ और हवन के बाद मशीन के बटन दबाकर पिराई के काम की शुरुआत की। इस दौरान चीनी मिल में जो किसान सबसे पहले गन्ने की पिराई के लिए पहुंचे उन किसानों को नकद राशि और एक शॉल देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि इस साल गोहाना शुगर मिल में गन्ने की पिराई का लक्ष्य पिछले साल से ज्यादा रखा गया। पिछले साल 40 लाख क्विंटल का लक्ष्य था। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने कहा कि शुगर मिल में गन्ने को लेकर आने वाले किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। वे उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में हार को लेकर कहा कि राजनीति में हार जीत चलती रहती है।
कैथल के विधायक लीलाराम ने मोबाइल पानी टेस्टिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये मोबाइल वैन गांव गांव जाकर पानी के 9 पैरामीटर्स की जांच करेगी। रिपोर्ट स्थानीय स्तर के साथ साथ चंडीगढ़ के हेड ऑफिस भेजी जाएगी। विधायक लीलाराम ने पब्लिक हेल्थ की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्थानीय अधिकारियों की कोशिश से यह संभव हो पाया। विधायक ने मुख्यमंत्री के साथ साथ पब्लिक हेल्थ की पूरी टीम का धन्यवाद किया। जिलेवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर पीने के पानी को टेस्ट करवाने का बीड़ा उठाया है। नवमे त्यौहार के वक्त अचानक से बड़ी आवाजाही से बड़कली चौक पर 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये जाम इतना ज्यादा था कि लोग 4-4 घंटे तक जाम में फंसे रहे। इस दौरान जाम में एक एम्बुलेंस फंस गई जो कई घंटों बाद जाम से निकल पाई। इसके अलावा जिला पुलिस के भी कई लोग जाम में फंसे। जाम को खोलने के लिए स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता की टीम बड़कली चौक पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया। इसके बाद आवाजाही शुरू हो पाई। नौ के दियाना गांव में पीने के पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। 70 साल बाद भी दियाना गांव में पेयजल की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। बसों से पेयजल की बाढ़ जो रहे ग्रामीण अब हालात बदतर होने के चलते चिंतित हैं। पानी के लिए ग्रामीणों को दूर दराज तक भटकने के साथ पैसा खर्च कर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। सरकार और प्रशासन के इस गांव की ओर अगर इसी तरह से अनदेखी रही तो ग्रामीण पलायन को मजबूर हो जाएंगे। चरखी दादरी के गांव खातीवास के ग्रामीणों ने अपना मुआवजा बढ़ाने के लिए धरना दिया। 152 डी कॉरिडोर को लेकर के किसान धरने पर हैं। ग्रामीणों ने कहा कि 152 डी कॉरिडोर जो कि उनके गांव से होकर निकलता है, इसमें गांव के 67 एकड़ जमीन अधिकृत की गई। इसका 18 लाख मुआवजा दिया गया। सरकार ने मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेट नहीं दिए। कैथल के छोटूराम चौक के पास से कल प्राइवेट बस चालकों सरकारी बस चालकों के बीच बसें चलाने की समय सारणी को लेकर झड़प हुई। इस दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने प्राइवेट बस को पकड़ लिया। रोडवेज कर्मचारियों की ओर से बिना परमिट चल रही बस को पकड़ा गया। मौके पर पुलिस बल बुलाकर बस को पुलिस के सुपुर्द किया गया। अंबाला में एनजीटी और प्रदूषण का हवाला देकर दिवाली पर पटाखे चलाने पर बैन लगाया गया था। इसे लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिले के 11 लोगों के खिलाफ आदेशों की अवहेलना करने पर एफआईआर दर्ज करवाई। इस मामले पर डीएसपी सुल्तान सिंह ने बताया कि जिला उपायुक्त के आदेशानुसार पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। पुलिस द्वारा बाकायदा दिवाली से पहले आम जनता को सूचित किया गया था और समझाया गया था, फिर भी कुछ लोग थे जिन्होंने इस आदेश की अवहेलना की। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर के सामने छात्रों ने डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट ऑफ इंडिया के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना दिया। धरनारत छात्रों ने मांग किया कि पीएचडी के रिक्त सीटों को शीघ्र भरा जाए। उनका कहना है कि इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति को कई बार मांग पत्र सौंपा जा चुका है लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही। विश्वविद्यालय प्रशासन बीसी वर्ग की खाली सीटों को जनरल में बदलकर दाखिले कर रहा है। इसी के विरोध में आज ओबीसी वर्ग की ओर से धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक ओबीसी वर्ग की सीटों को जनरल में नहीं बदला जा सकता, बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसा कर बीसी वर्ग के हितों से खिलवाड़ कर रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जहां पूरे देश में पटाखे बेचने और चलाने पर प्रतिबंध था, वहीं पानीपत के तहसील कैंप में पूर्व पार्षद हरीश शर्मा की पटाखे बेचने को लेकर पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। इस दौरान पूर्व पार्षद की बेटी अंजलि भी पुलिस के साथ कासुनी करती हुई नजर आई। विवाद बढ़ता चला गया। इससे पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें पूर्व पार्षद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शहर में पटाखे बाकी जगहों पर बिक रहे हैं तो कार्रवाई यहां क्यों कर रहे हैं। नौ में बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों की सरसों गेहूं इत्यादि की फसलों में इस बरसात से भारी लाभ हुआ है। बरसात के चलते पेड़ भी धुलने की वजह से प्रदूषण भी कम आया। पलवल में भाई दूज के त्यौहार पर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ते हुए दिखाई दी। बस में सवारियों की बिना मास्क की भीड़ नजर आई। सिरसा में शहीद करतार सिंह सराभा के शहादत दिवस पर किसान संगठनों की ओर से लोक पंचायत का आयोजन किया गया। बरनालो रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में लोक पंचायत हुई जिसमें 26 नवम्बर को होने वाले दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बनाई गई। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों ने धरनास्थल से रोष मार्च किया। ट्रैक्टर रोष मार्च बरनाला रोड और विभिन्न बाजारों से होते हुए अनाज मंडी तक पहुंचा। सोनीपत में आफत बनकर आई आंधी और बूंदाबांदी। रोहना गांव में डेरे की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। गुरुग्राम में एक बार फिर से जबरदस्त गोलीबारी हुई। इस बार सेक्टर 10 के बामडोली गांव में बदमाशों ने परिवार पर करीब 30 राउंड गोली चलाई।
बताया जा रहा है कि जिस परिवार पर गोली चलाई गई उससे पहले बदमाशों की कारसुनी हुई थी। इस फायरिंग में 3 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया। परिवार का आरोप है कि आशु नाम का बदमाश अपने करीबी 20 साथियों के साथ घर आया था, झगड़ा करने के बाद फायरिंग करने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। कैथल में आसमानी बिजली गिरने से रामगढ़ पंडवा के निवासी एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार खरक पांड्या निवासी युवक रास्ते में जा रहा था, अचानक से आसमान से बिजली गिरने से झुलस गया, इसकी वजह से उसकी मौत हुई। फरीदाबाद की गलियों में आवारा घूमने वाली रॉकी अब लंदन जाने की तैयारी में। रॉकी नाम की स्ट्रीट डॉग 18 नवंबर को कार्गो प्लेन में बैठकर लंदन जाएगी। 1 साल पहले ट्रेन की चपेट में आने से रॉकी घायल हो गई थी। इसके बाद पीपल फॉर एनिमल संस्था के डॉक्टर्स ने उसकी सर्जरी करा के दोनों पैर काट दिए थे। बाद में रॉकी को जयपुर से कृत्रिम पैर भी लगवाए गए जो कि सफल नहीं रहे। संस्था ने डॉक्यूमेंट्री बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की जिसे लंदन में बैठी एनिमल संस्था ने देखा और रॉकी को गोद लेने का फैसला किया। अब 22 रॉकी 7 समंदर पार हवाई रास्ते से लंदन पहुंचेगी। जुलाना में सेंट समाज ने सेंट जयंती कस्बे की अग्रवाल धर्मशाला में बड़े धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर समाज के लोगों ने हवन किया, यज्ञ किया और भंडारे का आयोजन भी किया गया। लोगों ने हवन में आहुति डालकर यज्ञ को संपूर्ण किया। सेंट समाज के लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी और पूरा दिन भक्ति में लगाया। नूह के लोहिंगा कला गांव में लोहे का पलंग लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पलंग में 6 से 8 लोग सो सकते हैं। पलंग की लंबाई 12 फीट और चौड़ाई 8 फीट की है। कई दशक पहले इस पलंग को 12,000 रुपए में बनाया गया था। इसके अलावा एक पलंग की लंबाई 8 फीट और चौड़ाई 6 फीट की है जो कि शीशम की लकड़ी से तैयार किया गया। इस पलंग पर 8 से 10 लोग सो सकते हैं। जजर पहुंचे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि पंचायती चुनाव समय पर ही होंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में हरियाणा सरकार द्वारा बीसीए का कोटा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव विधानसभा में पास करने से पहले जिन पंचायतों के ड्रॉ निकाले जा चुके हैं उन पर दोबारा से ड्रॉ निकाले जाएंगे। देशभर में मंडल स्तर पर चल रहे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में 30,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को पार्टी की रणनीति और विचारों से परिचित करवाया जाएगा। हरियाणा बीजेपी ने प्रदेश के सभी 300 मंडलों के 30,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए रूपरेखा तैयार की है। कार्यशाला में विशेष तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बाकी के नेता शामिल होंगे। सांसद ब्रजेंद्र सिंह और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवार ने गांव देवा में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि गांव में विभिन्न विकास कार्य करवाकर नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र और हरियाणा की सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता सीधे रूप से गांव से जुड़ा है, इसलिए सरकार शहरी क्षेत्र की तर्ज पर गांव में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। जजर में नए एसपी का कार्यभार संभालते ही राजेश दुग्गल इलेक्शन के बोर्ड में नजर आए। विभाग के हर कार्यालय पहुंचे और वहां की स्थिति का जायजा लेने के बाद साफ सफाई को लेकर अधिकारियों की क्लास लगाई। राजेश दुग्गल का कहना है कि वो आमजन को न्याय देने के साथ साथ साफ सफाई का ध्यान रखने वाले इंसान पसंद है। उन्होंने कहा कि वो कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि जहां बैठते हैं या फिर अपनी ड्यूटी करते हैं वहां पर किसी प्रकार की कोई गंदगी मिले। पंचकुला के सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल की पुरानी सीएमओ बिल्डिंग में 5 कंप्यूटर चोरी हो गए। सीएमओ पंचकुला डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि दीपावली की रात को चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सेक्टर 5 के थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा जा रहा है, किसी भी कर्मचारी के चोरी होने करने में इन्वॉल्व होने का अंदेशा है। उधर उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ने लगी है।